निपुण असेसमेंट टेस्ट 1 ये सभी विद्यालयों में होना है, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे वो उच्च प्राइमरी विद्यालय हो या फिर कंपोजिट विद्यालय हो। तो इसके लिए दो सेट तैयार किए गए हैं, यानी कि दो सिस्टम से OMR मिलेंगे। जैसे कक्षा 1 से 3 तक के लिए एक ऐसी OMR मिलेगी जिस पर आप 8 बच्चों का आकलन कर सकते हैं, वहीं कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के लिए OMR की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रत्येक बच्चे के लिए अलग OMR सीट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आकलन होना है वो सभी बच्चों का होना है 1 से लेकर के 8 तक के। तो आपका ये आकलन सरल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। तो सरल ऐप को कैसे आसानी से इंस्टॉल करें, लॉगिन कैसे करें, यदि कोई इसमें समस्या आ रही है तो उसे कैसे हल करें, इसके बाद में OMR सीट को कैसे स्कैन करें, साथ ही साथ यदि आपके जो विद्यालय में बच्चे हैं लेकिन सरल ऐप पर बच्चे अगर कम दिखाई दे रहे हैं तो उस स्थिति में क्या करें, जिस दिन आप परीक्षा करवा रहे हैं उस दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, यानी कि एब्सेंट और प्रेजेंट कैसे करें, उनके डेटा को, जिन बच्चे के डेटा हैं उनके डेटा को सही कैसे करें, ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ से हम जो प्ले स्टोर से सीधे सरल ऐप को इंस्टॉल करेंगे, किसी भी AP की फाइल का यूज नहीं करेंगे, ना ही किसी की भेजी गई फाइल का यूज करेंगे। तो आप सीधे क्या करिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सर्च बॉक्स में लिखिएगा सरल ऐप। अब यहाँ पर बस इम्पोर्टेंट जो बात है सर्च कर दीजिएगा कि यहाँ पर किसे आपको इंस्टॉल करने को करना है। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये एक भी इंस्टॉल नहीं करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ मोर ऐप्स सो मोर लिखा है, इसको क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे और सो मोर करिएगा। तो जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐप जो दिखाई देगा जिसको हमें इंस्टॉल करना है वो ये इस टाइप का आपको शो होगा, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसी ऐप पर आपको बच्चों का आकलन करवाना होगा और उसका OMR सीट है उन्हें स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर टेक्नोसिस सर्विस की ओर से ये ऐप जारी किया गया, 5 लाख लगभग डाउनलोड होंगे। इसे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं, वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। तो यहाँ से हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब इस ऐप को हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। तो उस इंटरफेस में आपको लॉगिन डिटेल में यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों आपके MDM में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसको डालना है। यूजर आईडी में भी मोबाइल नंबर पड़ेगा और पासवर्ड में भी मोबाइल पर नंबर पड़ेगा, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह मैंने लॉगिन के लिए डिटेल भर दिया है, इसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर असेसमेंट शुरू करने के लिए ये इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार का, सबसे पहले ऊपर आपके विद्यालय का नाम, फिर जिले का नाम, उसके बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक क्लास को सिलेक्ट करके पूरा डिटेल आपको दिखा रहे हैं। सेक्शन सेलेक्ट करना होगा यदि कोई है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो NA आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हिंदी मैथमेटिक्स है, ऐसे क्लिक करेंगे। इसके बाद पेपर सेट यहाँ नन आ रहा है, नन बना रहन दीजिएगा और नीचे से सबमिट करिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो कक्षा 1 में जो भी बच्चे हमारे हैं वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब इसके डिटेल, जो बच्चों का डिटेल है उसको हम चेक करेंगे और बच्चे टोटल पूरे हैं या नहीं है, यदि कम है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, उस स्थिति में आपको उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर आज ही कर देना है, आज यानी कि 8 तारीख को, 8 सितंबर को। तो डिटेल में क्या करेंगे, बच्चों की स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग है केयर ऑफ में, जो भी नाम की स्पेलिंग है उसे चेक करिएगा, उसके साथ साथ जो HR नंबर है उसे चेक करिएगा। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है वो ये है कि ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बच्चों की ID है, इनको आप सभी बच्चों की ID को नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब आप उन बच्चों का आकलन करेंगे तो OMR सीट पर ये ID आपको डालनी होगी। तो ये इस प्रकार से आप टोटल ये बच्चों का डिटेल है उसे आप चेक कर लीजिएगा। तो ये यहाँ तक की बात होगी। अब बात आती है परीक्षा करवाने से पहले कौन बच्चा अब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो भी 11 बच्चे हैं सभी प्रेजेंट दिखाए गए। यदि कोई बच्चा अब्सेंट है, मान के चलिएगा किसी एक बच्चे को हम यहाँ पर उठा लेते हैं और उसे अब्सेंट दिखाते हैं, तो उस पर आप क्लिक करिएगा जिसको भी अब्सेंट दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं इस बच्चे को अब्सेंट दिखाना चाह रहा हूँ तो इस P पर क्लिक करिएगा। तो ये इस प्रकार से A बन जाएगा रेड कलर से। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक बच्चा हमारा यहाँ पर क्या है, अब्सेंट।
इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये पेज निकल के आएगा, समरी पेज इस क्लास का, कि टोटल स्टूडेंट क्या रहे हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट 10 हैं, स्कैन नॉट सबमिटेड येट 0 हैं, टोटल स्कैन सबमिटेड 0 हैं, यानी कि अभी तक कोई भी स्कैन नहीं किया है। अब यहाँ से OMR सीट जो आपने तैयार की है उसे आप यहाँ से सबमिट करिएगा, यानी कि यहाँ क्लिक करेंगे वैसे ही OMR सीट को स्कैन करने के लिए मांगेगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपने इससे पहले वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख ले लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत ऐसी जानकारी मिलेगी आपको जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या उसका समाधान शायद मिल जाए। यदि उसमें समाधान नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से स्कैन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मेरे पास अभी OMR ऑफलाइन तो नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में जो OMR पड़ी है उसको हम लोग स्कैन करके चेक करेंगे स्कैन हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसको क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पर ये परमिशन मांगेगा तो इसे आप वाइल यूजिंग द ऐप पहले वाले कर दीजिएगा, अलाउ करिएगा, जो भी ये मांगे। हाँ, मोबाइल फ़ोन को आप इस टाइप से रखिएगा, यानी कि मोबाइल को आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से रखना है, तभी आपकी स्कैन जो है अच्छे से हो सकती है। तो देखते हैं ये स्कैन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसे तो यहाँ से प्रोसेस हो गई है, यस। तो यहाँ से ये देखो स्कैन हो चुका है। बस इस प्रकार से आपको बहुत ही आसानी से स्कैन कर लेना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये सैंपल के तौर पर स्कैन करके दिखाया है। यहाँ से आप स्टूडेंट की आईडी यहाँ से आप डाल सकते हैं, जो भी आईडी हो, और उसके बाद में यहाँ पर पहले का उसने कौन सा विकल्प किया, स्कूल में ला के इसको आपको एडिट करना होगा। जब आप एडिट कर देंगे जो भी ABC करके, उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आप प्लीज़ करेक्ट आईडी, ओके। तो यहाँ पर आईडी करेक्ट मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी आईडी अभी नहीं डाली। जब कोई भी स्टूडेंट है उसकी आईडी को आप डालेंगे यहाँ पर करेक्ट करके डालेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल सही से वो ले लेगा किसी भी स्टूडेंट की यदि आईडी आप डालते हैं। तो यस, यहाँ पर मैंने जैसे ही सही आईडी डाली तो बच्चे का नाम आ गया, यहाँ से पूरा डिटेल आ गया। तो यहाँ से आप उसे नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट की यहाँ पर आप आईडी डालिएगा, उसके बाद में फिर से इसको एडिट करिएगा। यहाँ पर जो भी एडिट मांग रहा है, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किस बच्चे ने किया है, तो इस प्रकार से आसानी से आप स्कैन करके बच्चे के डेटा को सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।